हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। तो आप लोग लच्छा पराठा तो बहुत खाए हैं मैदा का, पर ये है आटा का लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम 2 कटोरा हम गेहूं के आटा लिए हैं और इसको हम सानेंगे। पर इसमें अभी डालेंगे हम थोड़ा सा हम नमक और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और पानी की सहायता से इसको हम सान लेंगे। गया है और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम सेट करने के लिए दे देते हैं। इसको ढक देते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए फिर सेट होने देते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट इसे सेट करने दिए थे आटा, तो इसको देखते हैं अब कैसा हुआ है। और मेरा आटा बहुत सॉफ्ट बना है, ऐसा ही चाहिए हमको। देखिए इस तरह से हम लोई बना लेंगे। ऐसे सूखे हुए आटे में हम इस तरह से कर देंगे और ये थाली को हम साइड कर देते हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे। हम बेलन की सहायता से पतला पतला बेल लेंगे इसको। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी लगा कर बेल सकते हैं, पर उससे चिपचिपा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आटा सूखा लगा कर बेल रहे हैं। बेल लिए हैं, एकदम पतला इसे बेल लीजिए। इस पे हम घी लगाएंगे चम्मच की सहायता से इस तरह से। आप यहाँ पे तेल भी लगा सकते हैं, पर हम घी लगा रहे हैं। सारा हम इस तरह से हम फैला देंगे, क्योंकि लच्छा पराठा बनाने में घी या फिर तेल ज्यादा रहेगा तभी जाके वो निकलेगा, लच्छा पराठा बन पाएगा। इस पे अब सूखा हुआ पाउडर लगाएंगे, फैला देंगे सारा में। इसमें सूखा हुआ आटा सब लगा दिए हैं। अब देखिए ऐसे करना है आपको, इस तरह से पकड़ कर जो बचपन में हम पेपर के पंखा बनाते हैं ना, उस तरह से करना हमको इस तरह से। देखिए इस तरह से करना हमको। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देना। देखिए इस तरह से हमको बनाना है, इस तरह से। इसको हम बेलेंगे नहीं हाथ के सहारा से, इसको इस तरह से हम दबाएंगे। बेलेंगे तो ये पूरा चिकना हो जाएगा। अगर तेल कम लग रहा है तो आप दे दे कि इसको इस तरह से चिप सकते हैं।
प्रेस करिए इस तरह से। देखिए मेरा हो गया है, इस पर हल्का सा तेल लगा देंगे हम। इस पर घी लगा देंगे, इसे हम तावा पर दे देंगे, ऐसे ब्राउन होने तक पकाएंगे हम। देखिए मेरा ये बिला गया है रोटी, अब इसमें हम घी लगाते हैं। घी में इसको कवर कर दिए, इसमें हम सूखा हुआ थोड़ा सा आटा लगाएंगे। इसमें सूखा हुआ आटा लगाए हैं, हम इसको अब दूसरा तरीका से बताते हैं। इसको चौला चौला पीसेज में लंबे लंबे हम काट लेंगे, इस तरह से काट लेंगे हम। देखिए अब इसमें से एक पीस हम निकाल कर तो ऐसे करके हम इस तरह के रोल करेंगे, इस तरह से हम रोल करेंगे। कर दिए, देख लीजिए दोनों तरफ से, और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको भी नहीं बेलेंगे हम। देखिए मेरा हो गया है, इसे हम तावा पर हम डाल देते हैं सिकने के लिए। इसको हम ब्राउन होने तक सेकेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम थोड़ा थोड़ा हम घी डालते रहेंगे।
इसको हम उल्टेंगे हम। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे अच्छी तरह से हम धीमे धीमे आंच पे सिझाएंगे और ये गेहूं का बहुत टेस्टी लगेगा खाने में और ये मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप मैदा के नहीं, आप गेहूं के ही बना के देखिएगा, गेहूं के आटा के ही बहुत अच्छा बनेगा। देखिए कितना अच्छा से इसका ये आया है, डिजाइन आया है। यही लाछा पराठा का खूबी है इसका, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। खासकर तो गेस्ट आए तो ज़रूर बनाइएगा नया डिजाइन का। तो देखिए दोस्तों, लाछा पराठा कितना अच्छा बना, ये बनकर रेडी हो गया है खाने के लिए। और देखिए इसका साइड साइड से सब इसका लाछा निकला है, यही इसका खूबी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।